छत्तीसगढ़ से है। कांग्रेस विधायक दल की बैठक में सरकार को घेरने की रणनीति कांग्रेस ने बनाई है। नेता प्रतिपक्ष नियुक्त होने के बाद डॉक्टर चरणदास महंत के निवास पर आयोजित विधायक दल की बैठक में चुनाव में हार की समीक्षा भी की गई है। साथ ही विधानसभा सत्र में विभिन्न मुद्दों पर बात करने की रणनीति भी बनी है। बैठक में कांग्रेस के बड़े पदाधिकारियों ने कहा कि सरकार अनुपूरक बजट पेश करेगी। इसमें देखना होगा कि भाजपा के घोषणा पत्र में किन वादों को पूरा करने के लिए बजट का उपयोग किया जाएगा। विधानसभा सत्र के बचे 2 दिनों में किसान का मुद्दा हावी रहेगा, चाहे वो नारायणपुर में किसान की आत्महत्या का मामला हो या फिर धान खरीदी का मामला हो, जहां पर मोदी की गारंटी संबंधी किसानों के अन्य मामले हो। कांग्रेस ने साफ कर दिया है कि हमारी शीतकालीन सत्र में सरकार को घेरने की तैयारियां पूरी है। हमने सभी प्रकार की रणनीति बना ली है। हमारे कांग्रेस विधायक दल के नेता आदरणीय डॉक्टर चरण दास महंत जी की अध्यक्षता में बैठक विधायक साथियों की रखी गई और सभी हमारे वरिष्ठ नेता भी उपस्थित थे और नए विधायक जो चुन के आए हैं वो सब की उपस्थिति रही है और कल और परसों के लिए रणनीति हमारी बनी है और जिसमें कल राज्यपाल के अभिभाषण और उसके बाद जो सप्लीमेंट्री बजट जो रखा जाएगा उसके बारे में विस्तार से चर्चा हुई, उसकी रणनीति बनी है और उसमें कौन कौन साथी इसको रखेंगे इसके बारे में भी चर्चा हुई और जैसे हमारे नेताजी जो निर्देश देंगे उसी क्रम में वक्तागण वहाँ अपनी बात रखेंगे। उसकी तैयारी के संदर्भ में राजेश तिवारी जी और सब साथियों को निर्देश नेताजी ने दिया है। मैं समझता हूँ कि जिस प्रकार से अभी नारायणपुर में किसान की जो आत्महत्या है उस मामले को लेकर इसकी शुरुआत होगी।